पानी राही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं अपना आज का व्लॉग कलाम गांव से शुरू कर रहा हूँ। रात को हम कलाम आ गए थे और मैंने अब आगे मुख्तलिफ साइडों पे जाना है, तो मैंने कहा कि आपको आज का जो है व्लॉग वो कलाम गांव से शुरू करवाएं। तो आप देख रहे हैं कि ये कलाम गांव है, ये आप देख रहे हैं जी, देखें अब ऊपर। और ये बिल्कुल अब एंड है जी, इसके बाद ये पहाड़ शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं जी। ये मेरे साथ इस दफ़ा इस विज़िट पे ना जी, मैं अपने बेटों के साथ आया हूँ जी। ये है मेरा बेटा अली यजदान, जिसके नाम पे मैंने ये यजदान टीवी रखा हुआ है। ये सामने जी, ये जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? ठीक, आप कैसे? हाँ, ये कैसा फील हो रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। चलें। और ये जी दूसरा मेरा बेटा है सैयद अली हनान, और ये मेरा एडिटर भी यही है, मेरी वीडियो अली हनान ही एडिट करता है। हाँ, कैसा फील कर रहे हैं आप? सही। चलें, आए जी, अब आपको हम दिखाते हैं जी। ये यजदान टीवी जो है ना जी, मैंने अपने इस बेटे के नाम पे अली यजदान के नाम से इसका नाम था, और मैंने यजदान टीवी रखा। ये कलाम विलेज है जी, देख रहे हैं आप, ये घर हैं लोगों के दाएं बाएं। तो फिर हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते रहेंगे। ये जी, ये ऊपर तक रोड जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत रोड आया है। हमने कलाम का जो व्यू है वो कलाम गांव से लेना शुरू की है। ये वाला जो व्लॉग है, अब जैसे आपको मैंने अभी बताया है कि हम ऊपर आ गए थे, यहाँ बिल्कुल एंड पे अब आगे ख़त्म है। ये फॉरेस्ट के अपोजिट साइड है जो कलाम विलेज है ना जी, और कलाम तहसील है हेडक्वार्टर, और ऊपर विलेज, और विलेज के ऊपर हम आ गए थे। तो हमने कहा कि चलें आपको यहाँ से दिखाएं, आप देखें कि अभी तक नीचे तो जो है वो स्नो कम हो गई है, मगर यहाँ पे अभी तक ये आप सामने देख रहे हैं जी, लोगों के घरों के बाहर जो अभी खुली जगह है, जहाँ पे भी है, ये सड़क के दाएँ बाएँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब तकरीबन फरवरी तक ज़्यादा स्नो होती है, रात को हल्की सी हुई थी, क्योंकि कल जब हम आए थे तो बारिश हो रही थी, आज धूप निकल आई है। तो हमने कहा कि चलें आपको हम ऊपर से जाके इस व्लॉग को शुरू करते हैं, बजाय होटल से, कमरे से और कलाम बाज़ार से, वो भी हम आपको हल्का सा टच देंगे, मगर हम ऊपर आ गए थे जी। तो ये है जी वो रास्ता जिसके ज़रिए हम ऊपर गए थे, तो बिल्कुल हाइट कलाम बिल्कुल नीचे रह गया, होटल और दरिया तो बिल्कुल नीचे, और ये काफ़ी हाइट पे हम आ चुके थे। तो अब हम वापस जा रहे हैं जी, और हमने फॉरेस्ट वाली साइड पे जाना है और एक दो और जगह जाना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। और ये सारा कलाम गांव है जी, लोग आते हैं कलाम बाज़ार देखते हैं, सराउंडिंग घूमते हैं, इस तरफ आते होंगे मगर कम आते हैं, और जो लोग आए हैं उनके ज़रा थोड़ी सी मेमोरी रिकॉल हो गई है, और जो पहले नहीं इस तरफ आ सके उनके लिए एक हमने
कोशिश की है उनको दिखाने की कि ये बिल्कुल 5-7 मिनट की ही डिस्टेंस पे है। तो चलें अब आपको दिखाते जाते हैं जो जो कोई अच्छी खूबसूरत चीज़ नज़र आती है। ये जी कलाम बाज़ार है, मैंने कहा कि हल्का सा आपको इसका भी टच दिया जाए। इन दिनों में इसकी क्या सूरत हाल है ये आप देख रहे हैं जी। जी कल जब हम आए थे तो वो बात बीच में ही रह गई क्योंकि कलाम रोड की हालत बेहतर थी मगर ब्रिजेस इतनी बुरी कंडीशन में थी जिसकी वजह से कोई आधा पौना घंटा टाइम भी ज़ाया हुआ। और बाज़ जगहों पे ऐसी कंडीशन है, वो तो खैर मैं उसका एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा और वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था जी कि ये पिछले ना जी 2.5-3 महीनों में हमारे साथ एक थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ से एक कह लें कि मिस हैप्पी हो गया। वो इस तरह के हमने अपनी जो मिसगर की वीडियो थी ना जी, जब हम लास्ट टाइम गए थे तो मिसगर स्कर्दू मिसगर सीरीज़ की थी, तो मिसगर की जो वीडियो थी उसमें हमने वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी चली थी और लोगों की तरफ से दोस्तों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो वो जो वीडियो थी वो उसमें हमने कुन फाया कुन का जो है ना वो एक उसको आप नज़मिया कलाम या जो भी कह सकते हैं वो हमने लगाया क्योंकि वो अल्लाह की खूबसूरती और सनाई उन इलाकों में ऐसी थी कि वो अच्छा लगा, शूट किया, दोस्तों ने भी सराहा। और वो वीडियो क्योंकि हम तो न्यू कमर्स थे ना जी, हमारे जैसे नए चैनल्स के लिए वो बहुत कम मुद्दत में, वो तकरीबन उसके व्यूज़ जो हैं वो 36,000 व्यूज़ हो गए और उसके साथ ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मोनेटाइज के फौरन बाद उस पर वो कॉपीराइट क्लेम किसी ने कर दिया। तो उस पर मैंने काफ़ी चीज़ें देखी कि अब इसको क्या करना चाहिए, ये जो कॉपीराइट आया हुआ है। तो बजाय इसके कि हम उनके साथ आर्गुमेंट और कोई अपना नुक्ता नज़र देते कि हमने तो उस साइड से ये गाना लिया है जहाँ पे नॉन कॉपीराइट था तो हमारा क्या कसूर, मगर वो यूट्यूब का था कि अगर आपने लेना है म्यूज़िक तो यूट्यूब से लें वरना बाहर के म्यूज़िक पे जो है वो कोई भी लगा सकता है क्योंकि हमारे पास वो राइट तो नहीं थे। जो हमने तो एक साइड ऐसी थी जहाँ से उठा लिया, तो खैर वो उसकी वजह से हमने ये किया। तो वो तकरीबन 4 वीडियो में ना वो हमने लगाया हुआ था, तो हमने वो 3 वीडियो जो थी वो हमने दोबारा से डिलीट करके दोबारा अपलोड कर दी। ये जी कलाम, दरिया कलाम के ऊपर जो ब्रिज है वो आ गया है। अब दूसरी तरफ हम जंगल वाली साइड पे ना जी, उशु फॉरेस्ट वाली साइड पे जा रहे हैं जी। अभी यहाँ कुछ भी नहीं था, अब देखें माशाल्लाह इधर उधर होटल हो गए, अब सारा ही फैल चुका है। तो चलें जी, वो जब हमने उनसे डिलीट की वीडियो डिलीट करवा के हमने वो दोबारा अपलोड की तो उसके बाद पोजीशन ये हो गई कि हमारे व्यूज़ ही ख़त्म हो गए। चैनल मोनेटाइज बड़ी जल्दी हुआ, दोस्तों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट था कि तकरीबन हम 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये हो गया कि वो जो हमने वीडियो दोबारा अपलोड की, अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, अगर किसी दोस्त के कोई इलम में हो, हमने तो खैर जहाँ जहाँ से कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन इधर उधर से वीडियोज़ देख के इस रिलेटेड, तो वो जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उनके थ्रू तो ये पता चला कि बाज़ कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से YouTube की पॉलिसी है कि वो 3 महीने के लिए चैनल को सैंड बैग पर फेंक देते हैं। तो शायद कोई हमारे साथ ऐसा ही इशू हुआ है
या क्या कोई हमने मैं नहीं समझ सका। तो खैर वो हमारे एकदम से व्यूज़ कम ख़त्म ही हो गए, ना होने के बराबर। पर डे व्यूज़ जो हैं वो इंतहाई थोड़े से व्यूज़ रह गए, कोई 150 कोई 200, जहाँ पे अभी हम जैसे न्यू कमर्स के लिए हमने अभी कोई 12-14 बल्कि दूसरा ही टूर जो डाला था, तो हमारे पर डे व्यूज़ जो थे वो कोई 10-15-20 हज़ार तक पहुँचे हुए थे, और वो एकदम ही सैकड़ों 100 में आ गए। और उसके बाद उस वहाँ से भी कम कुछ 400-300 ये पोजीशन हो गई। तो वो जो वीडियोस इतनी अच्छी चल रही थी, एकदम से वो वीडियोस जो हैं वो जैसे कह सकते हैं बैठ ही गई। तो उसके साथ ही मुझे भी प्रॉब्लम हो गया, मेरी ये स्पाइनल कॉर्ड में बैक में ना जी कोई डिस्क का मसला बन गया। तो मैं भी 2-2.5 महीने कहीं प्रॉपर निकल नहीं सका, और वहाँ पे भी ये पोजीशन रही। तो बस ये मिला जुला सिस्टम रहा, जिसकी वजह से हमारी जो है ना ग्रोथ आप जो कह सकते हैं वो रुक गई। तो अब देखते हैं जी, अब हमने दोबारा वो कोशिश की है, दोबारा वीडियो डाली, वो टूर की है। इसके बीच में 2-3 छोटे छोटी एरियाज़ की हमने वीडियो डाली थी, तो उन पे भी वो कोई रिस्पॉन्स उस तरह नहीं आया, वो शायद उसी पॉलिसी की वजह से या किस वजह से। तो अब ये कलाम सीरीज़ हमने शुरू की है, और इंशाल्लाह इस पे हम ये मुकम्मल मुफस्सल आपको दिखाएंगे। ये देखें ना, आज मैंने गाड़ी पे ही कोशिश की, अपनी गाड़ी पे ही, कि आपको फॉरेस्ट, उशू फॉरेस्ट, कलाम सराउंडिंग ये वो दिखा के, और आज हम रेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह कल जो है ना वो हम आपको यहाँ से जीप हायर करवा के पलोगा और जो मुख्तलिफ़ इधर साइड हैं मटलतान वगैरह, क्योंकि कार वहाँ नहीं जा सकती, तो वहाँ पे ये जाएगी, जीप ही जाएंगी, तो वो यहाँ से करवाएंगी और आपको वो भी दिखाएंगे। फिर परसों इंशाल्लाह वो जो है हमारा मालम जब्बा साइट। और फिर रास्ते में मैंने कुछ एरियाज देखे थे जहाँ पे ना जी ये पीच और इसका जो ब्लॉसम मुझे नज़र आया, मसलन वो फूल खिले हुए थे पिंक कलर के, और वो तो मैंने कहा कि चलें ये हम ये भी बनाएंगे, वापसी पे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, ज़िंदगी रही, तो ये हम करेंगे जी। और ये जी जंगल में माशाल्लाह बड़ा अच्छी गहमा गहमी हो गई है। ये लेफ़्ट साइड पे ये जो रोड और ये उस तरफ वाली रोड है जी, और सीधी जो है ये कलाम वाली है। ये जी आप देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट है जी, कलाम जंगल जो है, कलाम फॉरेस्ट। तो ये आपके लिए, आपको इस सीज़न में, क्योंकि हर बंदा तो नहीं आ सकता ना जी, जैसे अब मैंने जनवरी या एंड पे या फरवरी शुरू में आना था तो मैं ही नहीं आ सका। तो यहाँ पे बेशुमार दोस्त आते भी हैं, बेशुमार दोस्त हैं जो आज तक नहीं आए, कुछ ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो अक्सर आते जाते रहते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जनवरी में या फरवरी के शुरू में आता, तो ज़ाहिर है ये सारे रोड बर्फ़ से अटे पड़े थे, साइडें सारी अभी भी देख रहे हैं आप, बर्फ़ ही बर्फ़ है दाएँ बाएँ। मगर तब ये था कि ये चीज़ नहीं नज़र आनी थी, क्योंकि हर जो महीना है, जो गुज़रता है, जो 2-3 महीने बाद मौसम चेंज हो जाता है। जैसे अब तब बर्फ़ से अटे पड़े थे इलाके, ये दरख्तों पे भी बर्फ़ जमी हुई थी, अब ये है कि कम हो गई, अब आपको दाएं बाएं नज़र आ रही है। 2 महीने बाद, मई के बाद, मई जून जुलाई, बल्कि ये ये मार्च के ही एंड तक और अप्रैल के शुरू में ये बिल्कुल बर्फ़ नीचे पास पास के इलाकों में ख़त्म हो जाएगी। फिर ये लोग अपने जो खेत हैं वहाँ पे खेती बाड़ी शुरू कर देंगे। तो ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, मौसम चेंज होते जाएंगे, फिर पूरे जोबन पे सीज़न आ जाएगा, उसके बाद फिर सितंबर के बाद कोई और पोजीशन हो जाएगी। तो ये हर 2-3 महीने बाद यहाँ का जो मौसम है वो चेंज होता है।
इंजॉय करें और एक मेहरबानी ज़रूर करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी किया करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो मज़ीद हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्रिप्शन इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि देखें, अभी मैं शौक़ से ये सारा कुछ कर रहा हूँ और मुझे कोई ये नहीं है कि मुझे यहाँ से क्या मैं गेन करूँगा, ये मेरा है, अपना शौक़ है, मैं अपना एक कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ, अपना एक यूट्यूब के अंदर अपने चैनल को रिकग्नाइजेशन देना चाह रहा हूँ, एक कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वक्त के साथ साथ करूँगा, आपके सामने आएंगी। तो इसके साथ मैं अपने जो दीगर मामलात हैं ज़िंदगी के वो करता हूँ, अपना काम शाम, अपना बिज़नेस, जो भी मैंने करना है। तो बात यह है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ज़्यादा करेंगे तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं हर महीने दो महीने बाद एक टूर एक मुख्तलिफ इलाके का लगाऊँ और पूरी सराउंडिंग आपको तकरीबन हफ्ते में 2-3 वीडियो लाजमी दिखाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ दिखाऊँ, और क्योंकि फिर कम अज़ कम ये हो जाएगा कि एक एक रीज़नेबल, देखें ना, सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइबर हों तो आपको हौसला सही मिलती है और अर्निंग का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। उससे ये होता है कि कम अज़ कम आपके जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो ही कवर हो जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपका कुछ भी नहीं जाता, आप देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्रिप्शन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, उसके बग़ैर जो है ये यूट्यूब का सफ़र जो है वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता, उसमें वक्त लग जाता है। तो ये जी हम आपको अब दिखा रहे हैं इंशाल्लाह। जी शाही ग्राउंड, ये जंगल के अंदर आप देख रहे हैं जी। तो मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम इस जगह से करने लगा हूँ जी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो कलाम गांव का, फॉरेस्ट का और कलाम बाज़ार का जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी हो तो आप इसको सराहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना, अपने दोस्तों का, अजीज़ों का, अरब का, गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें और अगले आने वाले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़।